अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम फरहान खान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक फिटनेस सेंटर में। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से आप लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी, हमारा एक अहम टॉपिक चलता है जो कि चिपचिपे कतरे आते हैं लोगों को बात करने से। और देखिए ये जो ज़्यादातर मसलहत है ये इंसान के खुद पैदा करने से ये बीमारियाँ आती हैं। जब इंसान पैदा होता है ऊपर वाला उसको एक तंदुरुस्त लाइफ, तंदुरुस्त ज़िंदगी दे के पैदा करता है, तंदुरुस्त सेहत दे के पैदा करता है। लेकिन इंसान एक गलत माहौल के ज़रिए, एक गलत सोसाइटी में आ जाता है, उस गलत सोसाइटी के साथ साथ इंसान के साथ ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं जिससे उसको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मान के चले जैसे कि आजकल का आप दौर देख रहे हैं, बच्चा 12 साल 14 साल की उम्र में जवान हो जाता है। अब जवान कैसे हो जाता है? जैसे कि सपोज मोबाइल आप देखते हैं, है ना, मोबाइल एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो मोबाइल का बच्चों की लाइफ पे इतना बुरा असर पड़ रहा है कि इंसान YouTube आ गया है और बाकी साइट्स हैं, वीडियोस हैं और अल्लाह जाने नई नई चीज़ें हैं बहरहाल मोबाइल के अंदर। तो माँ बाप बच्चों को फ़ोन देते हैं, बच्चे फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन चलाने के बाद एक गलत माहौल इंसान को मिलता है। क्योंकि जब इंसान जवान होता है, बच्चा जवान होता है, उसके अंदर एक सेक्सुअल जो है ना इस चीज़ का जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो चीज़ें पनपती हैं जब बॉडी में, तो इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों की तरफ खुद ही आकर्षित हो जाता है जिससे कि उसको कुछ चीज़ों का सामना बाद में बुरी तरह से करना पड़ता है ना। जब बुरी तरह से उस चीज़ का सामना होता है यानी कि आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में गलत चीज़ों को जब घर बना लेता है तब वो चीज़ें उसके सामने आती हैं और वो धीरे 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 इन सब चीज़ों में पूरी तरह से मुब्तला हो जाता है। सोसाइटी बनाना ये बड़ों के ऊपर होता है कि बच्चों को किस तरह की सोसाइटी दें। जो माँ बाप अपने बच्चों को ढील छोड़ देते हैं पैसे से, मोबाइल से, बाइक से, कार से, वो लड़के ना चाहते हुए भी गलत सोसाइटी में चले जाते हैं और फिर अपने आप को किस तरह से वो बर्बाद करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं सभी लोग। हाथ का इस्तेमाल कर लिया, हाथ का इस्तेमाल नहीं भी किया ये ज़रूरी नहीं है हाथ का इस्तेमाल करने से इंसान बीमार होता है। मैं आपको बहुत डीपली खोल के समझा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करने से एक लड़का बीमार होता है, बल्कि अगर दिमाग में आप इसी तरह के माहौल को बनाए रखेंगे यानी कि हर वक्त सेक्सुअल बातें रहेंगी आपके दिमाग में, जिनसी बातें रहेंगी, तो ये बातें इंसान के दिमाग पे असर कर जाएंगी। क्योंकि बीमारी ज़्यादातर माइंड से शुरू होती है, माइंड से कनेक्ट होती है। जैसे कि बाज़ बात लोग हैं कि किसी के पास खड़े हुए पानी के कतरे आ गए, किसी से किसी को ध्यान से देख लिया मोहब्बत प्यार की नज़र से या गलत सोच से पानी के कतरे आ गए, किसी के चलते फिरते में रगड़ लग गई पानी के कतरे आ गए, है ना। तो ये सारी बातें जो हैं ये इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। इंसान अपने मकसद से हट के इस चीज़ में बीमारियों में मुबतला हो जाता है। और दोस्तों ये जो बीमारी होती है यानी कि बहुत से लोग बीवी के नज़दीक गए, नज़दीक जाके उनको पानी के कतरे निकल आए, तो ये एक बीमारी जो होती है ना ये एक लास्ट लेवल मानी है बीमारी का, मतलब इसके बाद कोई बीमारी नहीं होती, इंसान जीरो हो जाता है। बीवी के पास गए, ज़रा सा सोचा, प्यार मोहब्बत की बात करी, कतरे आ गए और ये ढीला हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं हो पाता, वो उधर मुकर के सो जाती है उनकी बीवी, ये इधर मुकर के सो जाते हैं, दोनों के दिल में मलाल रहता है एक दूसरे के लिए, नफरतें पैदा हो जाती हैं। खैर तो इसी चीज़ के लिए दोस्तों मैं आज आपके सामने एक बहुत आसान सा, सिंपल सा, सस्ता सा नुस्खा लेके आया हूँ। आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें। आपके शेयर लाइक करने से तो मुझे हिम्मत मिलती है। मैं और इस क्योंकि ये मैं इसी बीमारी के ऊपर इसलिए नुस्खे बनाता हूँ क्योंकि ये बीमारी दोस्तों 90% ये बीमारी जवान लड़कों में पाई जा रही है और यही नुस्खे ज़्यादातर जो होते हैं ये धात रोग में भी काम करते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने से मेरी हिम्मत बढ़ेगी, शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो सकता है, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लंबी नहीं करते हुए मैं आपके सामने एक नुस्खा लेके आया हूँ, ये रहा नुस्खा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको लेना है काला तिल 50 ग्राम, अजवाइन खुरासानी, एक सादी अजवाइन होती है, एक होती है अजवाइन खुरासानी, ये अजवाइन खुरासानी आपको, ये भी 50 ग्राम। बीज बंद ये भी आपको लेने हैं 50 ग्राम। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों कमरकस, ये चमकदार से टुकड़े होते हैं बारीक बारीक से, ये आपको लेने हैं कमरकस, ये भी 50 ग्राम। दोस्तों इन चारों चीज़ों को लेके आप ग्राइंडर में डाल के एक पाउडर बना लीजिए और सुबह नाश्ता करने के आधा पौना घंटे के बाद एक चम्मच लीजिए, एक चम्मच से जो जिससे आप खाना खाते हैं वो नॉर्मल एक चम्मच, 4 से 5 ग्राम की खुराक लीजिए। इसी तरह से आपको एक खुराक आपको रात को खाना खाने के बाद में लेनी है। दूध मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वरना आप पानी से भी ले सकते हैं, लेकिन दूध से दवा का असर बहुत अच्छा होता है, दवा अपना मुकम्मल काम करती है। तो ये दोस्तों जाहिर सी बातें छोटी सी चीज़ें हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगी, पंसार की दुकान पर जाएँ आसानी से मिल जाएंगे, कोई मिलने में इनके मसला नहीं है। दोस्तों आप इसे इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आप मान के चलें दोस्तों, ये 20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा आराम दे देंगी। आप इसे यूज़ करें, और जिन भाइयों को किसी और सलाह मशवरे की ज़रूरत है, और भी नुस्खे किसी तरह की और ज़रूरत पड़ रही है, किसी की शादी हो रही है, कोई और मसला है किसी के साथ, तो इंशाल्लाह मेरे इस दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।